हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मतलब कि आज जो जीवतिया व्रत पूजा है, जो कि लोग मतलब कि औरत लोग करते हैं, मतलब कि व्रत रखे रहते हैं, अपने मन्नत को माने रहते हैं, तो उनका मन्नत जब पूरा हो जाता है तो जीतिया के दिन मतलब वो पूजा करते हैं भूखी रखकर। तो गाइज आज वही है, तो चलिए हम आज के इस ब्लॉग में आपको वहीं जाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से लोग पूजा करते हैं। वहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग के अंत तक, तभी आपको मज़ा आएगी। तो चलिए गाइज हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर से, पैदल ही है, और आगे चलकर आपको वहाँ का पूरी नज़ारा को दिखाते हैं। वहाँ पर लोग डीजे वगैरह के साथ जाते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए वहाँ का नज़ारा कुछ दिखाते हैं और तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। और आपको गाइज आपको बैक कैमरे से आपको दिखा देते हैं। गाइज यहीं कुछ बैक कैमरे में नज़ारा, तो गाइज यहाँ पर सड़क दिख रही है। गाइज वहाँ इधर जाएंगे, उसके बाद गाइज वहाँ पर एक हमारे सरकारी स्कूल है, जो कि हम 1 से 5 तक था, जिसमें हम भी पढ़े हैं। वहाँ पर वहीं पर पूजा होता है, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो चलिए हम पैदल हैं और वहाँ पर चलकर आपको दिखाते हैं। पूरे रास्ता को सीन तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि गाइज रास्ता बहुत बर्बाद हो जाएगी, कई मिनट की वीडियो हो जाएगी। हम सोच रहे हैं कि छोटे से छोटे वीडियो बनाए, तो चलिए हम वहाँ पहुँचकर आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नज़ारा, जो आ रहे हैं लोग अभी। तो गाइज हम पहुंच गए हैं, यही सरकारी स्कूल है जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी में हम 5 तक पढ़े थे गाइज। अब 1-5 के बाद जब पास होंगे तो आप 6 से जो 8 तक का कॉलेज है वहाँ पर देख सकते हैं। Oh,
तो भाई यही स्कूल था तो हम लोग इसे पढ़े थे भाई, बहुत पहले ही पढ़े थे इसमें। अच्छा क्या तू अच्छा करा बढ़िया है तो ठीक है। मेरी नाच ही है यार सबसे अच्छा है। तो गाइज यही हम लोग का स्कूल था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन गाइज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ऐसा स्कूल नहीं था, अब तो बहुत ही कस्टमाइज हो गया है, बनकर एकदम मस्त हो गया है स्कूल। कहो
खत्म हो गया। तो दोस्तों फाइनली जो पूजा था समाप्त हो गया, तो ब्लॉग को यही पर एंड करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो अपना प्रेजेंटेशन जरूर दर्शाइएगा और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।